हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटेल ऑफ सेंटेंस सीरीज। हम लोग पिछले क्लास में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग सिनेरियो नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जब सपोर्ट अपने आप में स्ट्रोंग हो और रेसिस्टेंस WTT हो, यानी रेसिस्टेंस वीक टूअर्ड्स टॉप हो, तो उस केस में मार्केट का टॉप क्या होगा, मार्केट का बॉटम क्या होगा और मार्केट किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, यानी मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। और साथ ही हम लोग समझेंगे कि ऐसे केस में जब सपोर्ट अपने आप में स्ट्रोंग हो और रेसिस्टेंस WTT हो, तो हम लोग कहाँ से रिस्की ट्रेड और कहाँ से सेफ ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं और हमारा टारगेट कहाँ तक होने वाला है। ठीक है, चलते हैं अब AOC के वेबसाइट पे। AOC में आप देख रहे होंगे यहाँ कि सपोर्ट 22,700 पे है और रेसिस्टेंस भी 22,700 पे है। सपोर्ट जो 22,700 पे है वो अपने आप में स्ट्रोंग है और रेसिस्टेंस जो 22,700 पे है वो 22,800 पे वीक है। यानी 22,700 पे सपोर्ट स्ट्रोंग है, 22,800 पे वीक है, तो यानी कि टॉप के साइड वीक है, तो इसको हम बोलेंगे वीक टूअर्ड्स टॉप। कौन सा टॉप, यानी रेसिस्टेंस जो है वीक टूअर्ड्स टॉप है। क्या कहलाएगा, सपोर्ट स्ट्रोंग हो और रेसिस्टेंस वीक टूअर्ड्स टॉप है। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रोंग है, रेसिस्टेंस WTT है। ठीक है, तो ऐसा केस जिसमें सपोर्ट अपने आप में स्ट्रोंग हो और रेसिस्टेंस WTT हो, तो ऐसे केस में हम लोग समझते हैं कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, जब बुलिश मार्केट होता है तो हम लोग CE बाय करना प्रीफर करते हैं, यानी कॉल बाय करना प्रीफर करते हैं। तो कहाँ से करें कॉल बाय, आंसर है कॉल, ऊपर जाएगा मार्केट, लेकिन हम लोग कॉल कहाँ से बाय करें, तो उसके लिए दो जगह है। एक तो है, अगर आप रिस्की ट्रेड करना चाहते हैं तो सपोर्ट के एक डाइवर्जन ऊपर से ही, यानी कि इस वॉल्यूम पे क्लिक करें, किस वॉल्यूम पे, तो 22,000 सपोर्ट कहाँ है, 22,700 पे, इसके एक डाइवर्जन ऊपर यानी 22,750 से ही आप CE बाय कर सकते हैं। 22,750 का क्या वैल्यू आ रहा है, 22,730, यानी 22,730 से आप कॉल बाय कर सकते हैं ऊपर के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप लोग कहां से बाय करेंगे, 22,700 का वेट करेंगे नीचे जाने का, फिर 22,700 के डाइवर्जन पे आए, यानी एक्सटेंशन पे आए, 22,685 तक आए वैल्यू, तब आप वहां से CE बाय करेंगे। ठीक है, कहाँ तक आपको ट्रेड करना है, तो अगर 22,700 अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लिए हैं ट्रेड, तो एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस तक तो आपको जाना ही होगा और मार्केट जाता भी है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ तक आना है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ऊपर और रेसिस्टेंस जहाँ WTT है वहाँ से एक डाइवर्जन नीचे तक, यहाँ तक आपको और यहाँ तक आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, यानी 22,781। चलिए हम लोग देखते हैं चार्ट में, देखते हैं चार्ट में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा ट्रेड कहाँ से प्लान होना चाहिए, तो यहाँ से आप रिस्की ट्रेड ले सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के एक डाइवर्जन ऊपर से, जब WTT हो रेसिस्टेंस, तो सपोर्ट के एक डाइवर्जन ऊपर से ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, यानी 22,730 से। तो 22,730 का वैल्यू ये वाला आया, तो यहाँ से हम लोग ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि मार्केट ओपन ही कहाँ हुआ है, मार्केट ओपन इससे नीचे हुआ है, तब हम लोग ऐसे केस में किसका वेट करेंगे, तो इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेंगे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या होगा हमारे लिए, एक सेफ ट्रेड होगा। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू क्या आ रहा है, 22,685। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू 22,685 आ रहा है, तो हम लोग 22,685 पे एक लाइन खींचेंगे। देखिए खींचा हुआ है लाइन 22,685 पे। अब हम लोग यहाँ का वेट करेंगे, जैसे ही मार्केट यहाँ आता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए मार्केट सही आया और डॉट टू डॉट, यानी पाँच पॉइंट का अंतर रहता है, 21,000-22,000 का इंडेक्स है, तो उसमें 4-5 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देखें यहाँ मार्केट आया, फ्लैक्चुएट किया, यहाँ से फिर एक डाइवर्जन आपको यहाँ तक का ट्रेड दिया है, यहाँ कहाँ तक, तो 726, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कहाँ, 730। तो लाइव मार्केट में वैल्यू 726 ही आता है, तो यही वैल्यू आता है। देखें आप कंप्लीट टारगेट आपको दिया है EOS से लेकर के EOR तक। ठीक है, यहाँ इसके वैल्यू तक, यानी 730 इस वैल्यू तक दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक हम लोग रख सकते हैं, तो 22,781 तक हम लोग, देखिए हम लोग यहाँ से ट्रेड लिए तो यहाँ तो अच्छा खासा प्रॉफिट, लगभग 30-40% का प्रॉफिट हो जाता है, तो हम लोग यहाँ एग्जिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। देखिए मार्केट, क्योंकि मार्केट ये मार्केट का
मार्केट का बॉटम है, मार्केट का ये बॉटम है, लेकिन मार्केट यहाँ तक गया है तो ऐसा भी तो हो सकता है फिर से मार्केट बॉटम को टच करे। तो हम लोग जैसा ही मार्केट यहाँ इसे टच करेगा वैसा ही हम लोग ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, फिर वेट करेंगे यहाँ तक आने का या तो यहाँ कोई कैंडल बनने का, फिर ऊपर का ट्राई करेंगे। ठीक है, ऐसे भी मार्केट एक बार में EOR को ब्रेक नहीं करता है, बहुत ही रेयर केस होता है जो कि जबकि मार्केट EOR को ब्रेक कर दे, एक बार में ब्रेक नहीं करता है। तो हमें जब हम US से ट्रेड लेंगे तो एक डाइवर्जन में हमें एग्जिट हो जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हालांकि मार्केट का टॉप कहाँ तक है, ये इसी केस में जब ऐसा केस रहेगा तो मार्केट का टॉप यहाँ है, यानी कि मार्केट में यहाँ तक ट्रेड में हम बने रह सकते हैं 781 तक। देखिए 781 का वैल्यू ये है, यहाँ तक ट्रेड में बने रह सकते हैं। क्या यहाँ से हम रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं? तो आंसर है यस, यहाँ से आप रिवर्सल का भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से आप रिवर्सल का भी नीचे जाने का भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कितना कहाँ तक? तो नीचे देखिए मार्केट रेसिस्टेंस WTT है, तो बुलिश सिनेरियो है, लेकिन यहाँ से अगर नीचे का ट्राई कर रहे हैं, यहाँ से अगर आप नीचे जाने का ट्राई करेंगे तो एक डाइवर्जन करेंगे, लेकिन नीचे जाना अपने आप में रिस्की है जब WTT बना हो तो। क्यों? क्योंकि ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है। अगेंस्ट है तो रिस्की क्यों है? क्योंकि जब मार्केट मान लो यहाँ से 100% वॉल्यूम है और ये 73% बढ़ते 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 अगर 100% हो जाए, इससे अधिक वॉल्यूम हो जाए, जब मार्केट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो मार्केट के पास क्षमता है कि वो यहाँ तक भी जा सकता है, यानी 22,880 तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है मार्केट। कहाँ तक? यहाँ तक भी जा सकता है। तो यहाँ से नीचे का ट्रेड लेना अपने आप में रिस्की हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा बहुत सेफ ट्रेड कहाँ से लेंगे? तो आंसर है जहाँ WTT दिख रहा है 22,232, तो हम लोग यहाँ से सेफ ट्रेड नीचे का प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, सेफ। अगर आप रिस्की लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी रिस्की ले लेंगे, लेकिन हाँ अगर आप ऊपर का ट्रेड में बने हैं तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से यहाँ से ट्रेड लिए हैं, यहाँ से ट्रेड लिए हैं तो यहाँ तक जाएँ तो अपना प्रॉफिट, फर्स्ट प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट भी होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट, क्योंकि अपने आप में ये एक डाइवर्जन है तो मार्केट को कंसोलिडेट करेगा तब उसको ऊपर ले जाता है। लेकिन यहाँ आप अपना 100% क्वांटिटी बुक कर लें, कहाँ? EOR प्लस वन तक, यानी कि एक, यानी कि जहाँ रेसिस्टेंस WTT है उससे एक डाइवर्जन नीचे तक आप कंप्लीट प्रॉफिट बुक कर लें। यहाँ यहाँ आपको ट्रेड में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स किया तो समझ जाओ 100 EOS तक पहुंच जाएगा। अगर मार्केट यहां से रिवर्स किया तो मार्केट के पास तो अभी भी क्षमता है कि मान लिया जब मार्केट यहां है, यहां EOR पे है, तो मार्केट के पास तो क्षमता है कि वो फिर से US तक चला जाए। ठीक है, तो हमें यहां ट्रेड बुक कर लेना है अपना सारी क्वांटिटी। ठीक है, तो आप देखते हैं इस चीज़ को ड्रॉ करते हैं, तो देखिए क्या क्या हुआ है मार्केट में। आप देखेंगे कि तो सिनेरियो इसी तरह से बना रहा है, पूरे दिन भर सिनेरियो चेंज नहीं हुआ, WTT बना रहा। तो देखिए मार्केट किस तरह से गया, यहाँ से आया मार्केट, एक बार एक डाइवर्जन ट्रेड दिया, फिर देखिए US से आया, क्योंकि ये मार्केट का बॉटम है। जब तक ये WTT बना रहा रेसिस्टेंस, तो ये मार्केट का बॉटम है, इसे ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल टास्क है। तो फिर देखिए मार्केट यहाँ से आता है, ट्रेड देता है, फिर सपोर्ट पर आता है, फिर टकरा के फिर मार्केट ट्रेड देता है। आप देखें कई बार हिट करते करते, रेसिस्टेंस को हिट करते करते मार्केट ब्रेक कर देता है, फिर मार्केट इस वैल्यू पे आता है। इस वैल्यू पे क्या, उस टाइम 774 ये वैल्यू चल रहा था, अभी कितना है इसका वैल्यू, 781 चल रहा है ना अभी, उस टाइम लाइव में 774 ही 75 ही आता है, तो दो चार पॉइंट का फ्लक्चुएशन आता है। तो फिर देखिए यहाँ से मार्केट रिवर्सल का ट्रेड बिल्कुल डाइवर्जन टू डाइवर्जन दिया है, पॉइंट टू पॉइंट दिया है। लेकिन क्या हमें यहाँ का ट्रेड करना चाहिए नीचे का? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये अपने आप में रिस्की है। ठीक है, अगर जो रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ से अपना ट्रेड का भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ मान लिया जाए कि यहाँ आया अपना, यहाँ से यहाँ छोटा SL रखो अपना, और यहाँ से यहाँ का एक डाइवर्जन का ट्रेड ले सकते हो। तो ये हुआ आपका सिनेरियो नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। आपको समझ में आ गया होगा ट्रेड कहाँ से लेना है? तो रिस्की ट्रेड सपोर्ट के एक डाइवर्जन ऊपर से ही लेना है, और अगर सेफ ट्रेड चाहते हैं तो सपोर्ट से लेंगे। और कहाँ तक टारगेट लेंगे? अगर सपोर्ट से लिए हैं तो टारगेट रेसिस्टेंस पे फर्स्ट टारगेट बुक कीजिए, उसके बाद सेकेंड टारगेट रेसिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर यहाँ बुक करें। ठीक है, और या तो जहाँ WTT है उससे एक डाइवर्जन नीचे तक ट्रेड आप बुक कर लें 22,781 तक। यही रहा आज का एनालिसिस, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो और सपोर्ट WTB हो। ठीक है, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।